अच्छा जबरदस्ती की कॉमेडी करता है। कैसे आप समझ लगता है आप सब बढ़िया होंगे, सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सबको पता ही यार बढ़िया नहीं होगा तो फिर यार एंजॉय नहीं कर पाओगे ना वीडियो, तो अच्छे माइंड से देखा करो वीडियो ताकि लाइक दबा के जाओ हमेशा वीडियो में। तो भाई आज आपने देख ली, हमने हमारी मील तो अपने देख ली होगी और कमरे का रंग आपको चेंज कुछ दिख रहा होगा, अभी इतना ढंग से नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें एक कोट और होना है। तो भाई इस रूम को थोड़ा सा स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक तो जो स्टूडियो है वो तो सौरभ भाई वाला है ही है, यहाँ पर भी हमारे पास एक छोटा सा मिनी सेटअप ताकि आप जब भी व्लॉग्स की शुरुआत होती है तो भाई स्टार्टिंग का कमरा अच्छा लगे, तो उस लिए हम छोटा सा एक रेडी आउट कर रहे हैं। तो भाई आज मील तो आपने देख ही ली, एक्सरसाइज आज एक्सरसाइज नो एक्सरसाइज व्लॉग, आज थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक पे व्यूज़ खाने वाला काम करेंगे हम, ठीक है। सो गाइस ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब क्या है, क्या मतलब क्या, पुनीत सुपरस्टार भाई, पुनीत सुपरस्टार। तो भाई हम लोगों का रिएक्शन सब लोगों को पता है, पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस भाई, बंदे ने यार 4-5 दिन में 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं भाई, मैं शौक हो गया देख के भाई, लॉर्ड सच्ची में लॉर्ड है। तो भाई उन्हीं के नाम के थोड़े से व्यूज़ खा लिए जाएंगे थोड़े से, ओके। तो भाई आज क्या करने वाले हैं कि आज हम पुनीत सुपरस्टार की कुछ चुनिंदा रील्स को निकाल के अपनी मम्मी के साथ बैठ के उन पर रिएक्ट करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है। तो भाई कोई भी बुरा नहीं मानेगा क्योंकि यार वो मम्मी है, वो बोल सकती हैं कि क्या रियलिटी है उस बंदे की। हम लोग को सरकाज़म समझ आता है बट घर वालों का सरकाज़म आप लोगों को पता होता है कि आप लोग भी अगर अपने माँ बाप को पुनीत सुपरस्टार की वीडियोस दिखाओगे तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वही एक्सपेक्टेशन में आज आपको दिखाने वाला, और कोई भी गाली नहीं बकेगा, कोई भी पुनीत सुपरस्टार का फैन गाली नहीं बकेगा क्योंकि जो वो बकचोदी करता है वो सच्ची में बकचोदी है, ठीक है। पर हमें उसी से हंसी आती है, हम क्या करें, हम हो भी तो चुके हैं, गलीच हो चुके हैं हम लोग। तो भाई वही है, अभी फटाफट मैं एक बार मेरे को एक मील खानी है। पहले मैं मील के लिए यार मेरा प्रोटीन पाउडर रखा हुआ है, गलती से कुल्फी फ्लेवर ले आया था तो मेरे को वो चेंज करवा के लाना है, मैं वो चेंज करवा के ले आता हूँ फटाफट, और उसके बाद फिर हम ये रिएक्शन वीडियो कवर करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज का पार्ट डालेंगे क्योंकि ये कोई रिएक्शन चैनल तो है नहीं, पर व्यूज़ खाने के लिए कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि ऐसे तो तुम लोग देते नहीं हो, तो क्या पता ऐसे दे दो, तो शेयर कर देना। तो फटाफट जाते हैं प्रोटीन चेंज करवा के लाते हैं, फिर अपने ओट्स खाते हैं, उसके बाद रिएक्शन। सो गाइस प्री वर्कआउट मील सब कुछ ले लिए, रेडी हो गए हैं, अपना प्रोटीन भी मैं ले आया था। प्रोटीन इस बार मैं कोर फ्यूल का ट्राई कर रहा हूँ, सस्ता प्रोटीन है काफ़ी, मतलब बजट वाला प्रोटीन है, तो मैं एक बार सोचा कि चेक कर लेता हूँ भाई कैसा है, ठीक है नहीं है। तो ये इस बार कोर फ्यूल खा रहा हूँ और अब चलते हैं जिम, फोन आ रहा है भाई, कोई नहीं चलो अब चलते हैं जिम, और जिम में दिखाता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर से दिखाऊंगा, फिर उसके बाद वो रिएक्शन रह लेंगे, पापा मम्मी दोनों का लेंगे, ठीक है, रिएक्शन बढ़िया से चीज़ों का देख के। जिम आ गए और जिम आ के अब वर्कआउट लगाते हैं, आज बैक कर रहा हूँ बैक आर्म्स और थोड़ा सा शोल्डर भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो लेट्स सी वर्कआउट, देखो आप थोड़ा सा इंजॉय करो फटाफट अच्छे से भी रोल। Got me locked in on cup though. Okay, my nose, yeah, got rose in my cup though. Started climbing my pole, she got me locked in on cup though.
जाके हम लोगों ने कुछ वीडियोस निकाली, मतलब एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो ही है जिसमें पुनीत सुपरस्टार के कई सारी मीम्स हैं, तो वो वीडियो मम्मी को दिखाते हैं। और भाई कोई भी गलत नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि तुम्हें पता है यार पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा ही होता है, क्या ही बोलेंगे मम्मी उसको देख के। बट वी सपोर्ट हिम क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है। तो चलो वीडियो दिखाते हैं और रिएक्शन। भाई कैमरा ऑन होने से पहले ना इन्होंने 10 बार मेरे को रीटेक करवाया है, अलमारी खुली दिखाई पड़ रही है, ऐसी करती है इनसे, इनका कोई वो नहीं है। तो भाई हाँ मम्मी, जिसकी मैं तुम्हें वीडियो दिखा रहा हूँ ना, वो है पुनीत सुपरस्टार। सुना होगा नाम तुमने? बिल्कुल नहीं सुना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब पुनीत सुपरस्टार ने नाम नहीं सुना? अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ ये कौन है। ये एक मतलब ऐसा कंटेस्टेंट है जो अभी बिग बॉस में सुना होगा, ये बिग बॉस में गया था ठीक है, और इसे एक दिन के अंदर बाहर कर दिया। और जो इसका इसलिए बाहर किया क्योंकि ये जिस तरीके कंटेंट बनाता है ना, कंटेंट हाँ अरे यार तुम अंग्रेजी में ठीक करो ठीक है, जिस तरीके का कंटेंट ये बनाता है ना, उसी वजह से बिग बॉस ने इसे बुलाया था। और उस वो हरकतें जब इसने बिग बॉस के अंदर करी तो बिग बॉस वालों ने बाहर कर दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता था कि भाई जिस कंटेंट की वजह से आपने बुलाया था इसे, वो तो चीज़ करेगा ही ना बंदा अंदर फेम लेने के लिए, तो उस वजह से उसे बाहर कर दिया ठीक है। तो अब आपको देख के बताना है। और ये रियल लाइफ, देखो ये तो रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ में बंदा बहुत अच्छा है, मतलब जितना भी कमाता है ना उसका 50% डोनेट करता है अपने हाथों से, मतलब ये नहीं कि किसी संस्था में देता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है। और जब भी खिलाता है तब ना वीडियो दिखा, चलो ठीक है। कई सारी मीम्स है इसके जो आजकल मार्केट में बहुत चलते हैं ठीक है, तो ये देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अभी तो कुछ भी नहीं है। ये वाली हरकत ना, ये बिग बॉस में कर रहा था, बिग बॉस में साबुन रखा हुआ था इन ऊपर, आप पूरा अपने सर के ऊपर डाल लिया और उस वजह से इसे एलिमिनेट कर दिया, बताओ। और यही रील्स इसकी चलती है, मतलब ये ऐसे लोग फनी वे में देखना पसंद करते हैं। या नो या झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूत पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा, चल जा रोक ले बेटा। पुनीत सुपरस्टार 2.6 मिलियन फॉलोअर, जब ये बिग बॉस में गया था ना आज से 10-12 दिन पहले, तब इसके 400,000 फॉलोअर थे। एक दिन निकाला है इसको, निकाला और निकालने के बाद इसके 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ये देखो और ये देखो, कुछ शब्द आपके पास कहने के लिए है? जबरदस्ती की कॉमेडी करता है नॉनसेंस वाली, अगर ये नेचुरल वे में करे ना, थोड़ा सा मतलब इतना एक्सट्रीम में ना जाए तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है ये लोगों जिसे 10 दिन के जो लोग देख रहे हैं ना, उसका लेवल भी इसी के जैसा है ना। तुम क्या कहना चाह रही हो, मेरा लेवल ऐसा है? बताएं नहीं रिएक्शन क्या है, मतलब ठीक है जो लोग आदमी रोड पीट रहे हैं थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा हंस लेंगे, वैसे तो ठीक है, पर कुछ कुछ चीजें कि एक्सट्रीम कर रहा है, लेकिन इस तरीके की चीज को ना लॉन्ग टर्म आदमी झेल नहीं सकता है। हाँ जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस एक साथ देखी, बस थोड़ा बहुत कभी कभार तो दिख जाए, अदरवाइज ये चीजें लॉन्ग टर्म में नहीं चलती हैं। बिग बॉस में गया तो क्या रिएक्शन है, मतलब इतनी ज्यादा फूहड़ता
ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तभी निकाला गया। हाँ, मतलब पता है बिग बॉस कह रहे हैं कि बिग बॉस जब बिग बॉस से ही गया ना, तो बिग बॉस की जो टीआरपी वो डाउन हो गई, मतलब बिल्कुल नीचे चली गई। जियो सिनेमा की 4.5 रेटिंग थी ऐप की, वो रेटिंग 1.9 पे आ गई, इसके सिर्फ इसको बाहर निकालने की वजह से। तो बिग बॉस ने क्या कहा कि हम तुम्हें दोबारा लेंगे वापस, उसने उन्होंने ट्वीट किया था। तो इसने क्या ट्वीट करा कि 50 लाख रुपए रेटिंग रखना तब आऊँगा बिग बॉस में दोबारा। कहता कहता मेरा क्या फ़ायदा बिग बॉस में होने से, तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हें टीआरपी मिल रही है। मतलब फैन फॉलोइंग बढ़िया है बंदे की, बहुत अच्छा काम करता होगा इसलिए लोग पसंद करते हैं, अदरवाइज कॉमेडी तो फोड़ों वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड, थैंक यू सो मच फॉर योर रिएक्शन। वैसे तो बहुत बेकार था, तुम कर नहीं सकती ये सब रील्स के चाहने वालों तो भाई तुमने रिएक्शन देख लिया यार, मम्मी ना थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई थी मतलब कैमरे के सामने ना, तो उन्होंने बाद में रिएक्शन देना बंद ही कर दिया था, तो इसलिए। और वो काफी कंट्रोल करके बोल रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था भाई पुनीत के जो फॉलोअर्स है भाई वो बड़े खतरनाक है, तो जरा संभल के बोलना जो भी बोलना। चलो जो भी था चलो ठीक था, बाकी तो भाई अपना सपोर्ट है पुनीत भाई को, भाई बिग बॉस में जाओ 50 लाख रुपए लिए भी रहो जाने दो, जो भी है ठीक है, 50 लाख रुपए तो लेके ही जाने हैं। बाकी जो भी है देखते हैं भाई, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं फुकरा इंसान, और मैं तो भाई बिग बॉस देखा भी नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी के बंदे हैं भाई, इन फिल्म स्टार से बेटर है, बाकी सबसे बेटर है हमारी कम्युनिटी के बंदे, हम सपोर्ट करेंगे। और भाई अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और तुम चाहते कि मेरे पापा भी पुनीत सुपरस्टार पे रिएक्ट करें, तो भाई ड्रॉप कर दो एक कमेंट, हम तो रेडी बैठे हैं, हमें तो व्यूज चाहिए। तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।